सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों की जनपद में चल रही है मनमानी, ग्रामीणों के साथ कर रहे हैं भेदभाव। ललितपुर जनपद ग्राम भारौनी दलवारा तहसील महरौनी निवासी ग्रामीणों ने कचरौदा बांध में सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की बहुत बड़ी ठगी की जा रही है। सिंचाई विभाग की मनमानी, डूब क्षेत्र में मुआवजा नहीं मिलने के कारण समस्त ग्रामवासी एवं महिलाएं परेशान हैं। पुनर्वास अनुदान की राशि सरकार द्वारा बढ़ा दी गई, लेकिन सिंचाई विभाग किसानों के साथ छल कर रहा है। मकानों का मुआवजा वर्तमान की महंगाई को देखते हुए दिलाए जाने की मांग की गई। अगर सिंचाई विभाग द्वारा कोई छल किया गया तो समस्त ग्रामवासी ललितपुर से लखनऊ तक पैदल यात्रा करने को बाध्य होंगे। समस्त समस्याओं को सीएम उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचाएंगे और सिंचाई विभाग की एसआईटी जांच कराएंगे। एक ओर केंद्र व प्रदेश की सरकार नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास, सिंचाई विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं सिर्फ अपना विकास। ललितपुर से सूरज सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भरत साहब, भरत जी बताइए क्या घटना हुई, कैसे गायब है बच्ची? बच्ची कल 2 बजे ट्यूशन के लिए निकली घर से, उसके बाद उनके सर का फोन आता है ट्यूशन से कि लड़की के पेट में दर्द हुआ और वो घर के लिए लौट गई। फिर उन्होंने घर पर फोन किया माँ को उसके, तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की के पेट में दर्द होने के कारण वो घर पर लौट गई है, आप लड़की आ जाए तो हमें बता देना थोड़ा। लेकिन लड़की घर नहीं आई। उसके बाद ढूंढना स्टार्ट किया तो पता चला कि उसी एक क्लास का एक लड़का संदीप अहिरवार भी उसी समय से गायब था जब से लड़की गायब है। और कुछ दिन और फिर हमने और तहकीकात की तो पता चला कि संदीप ने कुछ दिनों पहले अपना मोबाइल भी बेचा था, लेकिन उसमें संदिग्ध ये हो रहा है कि उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि संदीप ने 3 दिन पहले मोबाइल तोड़ा और फिर ये लोग कह रहे हैं कि मोबाइल बेचा है, तो इसका मतलब प्री प्लान्ड है उसमें कि उसने बेचा और उसके पैसे लेकर वो। शंका तो लड़के वालों की तो चाल है इसमें कि कहीं ना कहीं लड़की को उन्होंने बंधक बना रखा है। नहीं, उनका ये भी कहना लड़के वालों का कि ट्यूशन के जो टीचर हैं उनके लड़का लड़की मिल गए वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। सर हम तो ये कह रहे हैं ट्यूशन के सर को बुलाइए इधर पे, उनका सामना करवाइए। वैसे वो हमारे भाई के साथ सारे दिन लगे रहे कल रात तक, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं उनके सामने। कहाँ का तलाश किया आपने, कुछ मिला? बबीना ही की। अभी फिर हम आज माता टीला भी गए थे डैम पे, वहाँ पर चप्पल वगैरह मिली उसकी लड़की की, लड़के की भी मिली, लड़के की गाड़ी भी मिली, लेकिन बॉडी का या कुछ भी सुराग वहाँ से बाकी और नहीं। क्या लग रहा है आपको, चप्पल मिली, गाड़ी मिली?